इतना भीड़ हो रखी है भाई साहब, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे एक किलोमीटर मिनिमम एक किलोमीटर चला और यहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं। और मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ आगे का, इतनी ज़्यादा भीड़ क्राउड आप देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको फ्रंट। लेट्स गो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आगे पीछे देख सकते हैं हम, और हमें एक घंटा हो चुका है इस भीड़ में और काफ़ी चीज़ें। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतना पुलिस प्रशासन ने इतना मतलब मैनेजमेंट सही नहीं कर रखा है। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे, हेलो गाइस। और यहाँ पे अभी हमने देखा दिखाया आपको बाइक पे यहाँ पे गाड़ी पे आग लग गई बीच रोड में और चारों तरफ इतनी भीड़। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो हम आ चुके हैं वहाँ से, थोड़ा सा आगे आ चुके हैं हम, क्योंकि हम आगे आगे थे और प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे मुस्तैद नहीं है, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। और काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी सुधारनी होगी उत्तराखंड सरकार को, धामी जी को, और ये ट्रैफिक किस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ये नाकामयाबी तो ही है उत्तराखंड की। और यहाँ पे आप चारों तरफ देखेंगे भीड़ बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा सा मैं आपको लुक दिखा देता हूँ चारों तरफ। लेट्स गो। ये शान तिरंगा जान तिरंगा, इसके लिए हर कोई देश प्रेमी मरता है और यही जो झंडा है इसी के लिए आदमी हम लोग आज अपनी मातृभूमि के लिए न्योछावर हो जाते हैं। और बोले पहुंच चुके हैं मरकी पौड़ी में, एक नंबर का मॉल बना बोले कि गुरु गोविंद भाई साहब को
चल रहे चल। चल यार गाइस ये पूरा धुआं देखो गाड़ी के जलने का निकल रहा है, देखिए आप। और गाइस आप भीड़ देखिए, भीड़ जहाँ तक आप देखेंगे।